बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 18 न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम में एक और शाहकार का इजाफा। जमीन और समंदर में 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। हुकूमत और तहरीके लबैक पाकिस्तान में मुआहिदा तय पा गया। हुकूमती टीम TLP से मुज़ाकरात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, TLP ने डेडलाइन फरवरी से बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दी। तहरीके लबैक के मुतालबात को पार्लियामेंट में रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अरकान असेंबली को तरक्याती फंड न देने का जवाब तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फंड से मुतल्लक केस निपटा दिया। सिर्फ निशानदेही की है कि मुझे शिकायत कुनिंदा न कहें। जस्टिस काजी फायज ईसा का बयान, क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम लफाफे तकसीम करना है? सेनेट इंतखाबात से मुतल्लक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। क्या हुकूमत अदालत की राय पर अमल करने की पाबंद होगी? क्या बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन एक्ट पर कराए जाते हैं? जस्टिस एजाज उल हसन का बयान, आइन बल्दियाती इंतखाबात का मुकम्मल मेकनिज्म फराहम करे। पीपल्स पार्टी की सदारती रेफरेंस में फरीक बनने की भी दरख्वास्त दायर। मुल्क भर में सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। कागजाती नामजदगी 13 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। स्क्रूटनी 15 और 16 फरवरी, अपीलें 17 और 18 फरवरी को दायर होंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा बयान। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार उतारने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लियामानी बोर्ड का इजलास जारी। वज़ीर-ए-आज़म के गवर्नर सिंध भी आज मिलेंगे। उम्मीदवारों का फैसला होगा। लाहौर पुलिस की बिछड़ों को मिलवाने की रवायत बरकरार। ग्रीन टाउन पुलिस ने 4 साला आमिना को तलाश करके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। 4 साला आमिना 10 फरवरी को घर से लापता हुई थी। पुलिस ने आमिना के वालिद की मुदय्यत नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। ग्रीन टाउन पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। बच्चे की तलाश के लिए सोशल मीडिया समेत CCTV कैमरों की मदद भी हासिल की गई। पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए बच्चे को 24 घंटों के अंदर तलाश कर लिया। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन में मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां। SP रेलवे लाहौर डिवीजन मलक मोहम्मद अतीक ने प्रमोट होने वाले एहलकारों को प्रमोशन रैंक्स भी लगाए। पाकिस्तान रेलवे पुलिस में मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां की गईं और तफसीलात के मुताबिक रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन के मोहम्मद इदरीस को ASI और ज़हीर अहमद को हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्की दी गई। SP पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन मलक मोहम्मद अतीक ने प्रमोट होने वाले दोनों एहलकारों को प्रमोशन रैंक्स भी लगाए और मुबारकबाद भी पेश की। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस पाठापुर की कार्रवाई। चोर गैंग गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारुख जमाल खान की हदायत पर चुराए पेशा अफराद के गिर्द घेरा मस्जिद तंग। चोरी की वारदातों में मुलव्वस शाखा गैंग के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। SSP इन्वेस्टिगेशन। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में गैंग का सरगना शवाक उर्फ शाका और साथी आदिल शामिल हैं। मुल्ज़िमान से लाखों रुपए मालिक के 8 मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया और नजायज असलहा भी बरामद किया गया। डेरा इस्माइल खान से अहम खबर शामिल करें। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान मोहम्मद यासिन फारूक ने कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले साबिका खासादार और लेवी सरकार अब पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। तरबियत के बाद जम होने वाले जनूबी वज़ीरिस्तान में जाकर अपनी जिम्मेदारियां आसान अंदाज में सर अंजाम देंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारान हमारा सरमाया है। पाक फौज ने पुलिस की बेहतरी और खासादारों और लेवी एहलकारों की तरबियत में हमेशा पुलिस का साथ दिया है, जिसके लिए हम स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर कासम शहजाद और IGFC साउथ उमर बशीर के बेहद मशहूर हैं। ख्यालात का इजहार इन्होंने पुलिस लाइन डेरा में सबका लेविस और खासा एहलकारों के पुलिस में इंजमाम के बाद तरबियत मुकम्मल होने वाले ट्रैफिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले और महकमा पुलिस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले समाज दुश्मन अनासर की सरकोबी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले
एजेंसी सहलकारों में तारीफी सतनात भी तकसीम की और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए। खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे अली रमजान, शाहपुर सदर जिला सरगोधा से शाहपुर सदर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम अनम अली खान का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान ने महकमा माल के हमरा एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए शाहपुर सदर के गिर्द करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बासर कब्जा माफिया ग्रुपों से वाकसार करवा ली। ये जमीन अरसात दराज से मलहिका जमींदार अपने कब्जा में लेकर इस पर फसलें काश्त कर रहे थे। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए मालिक की 156 कनाल 15 मरले सरकारी राजी वागजार करवाई गई, जिस पर महकमा माल के अमला और गर्दावर मुमताज पटवारियों दोस्त मोहम्मद ने असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में सरकारी काबजीन से वागजार करवाई। डेरा इस्माइल खान से असदाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक टांग में अमन की बहाली होने के बाद तही इलाकों में खेलों की सरगर्मियां अरूज पर हैं। एफसी हेडक्वार्टर साउथ के ताउन से टांग के गांव मलासई में असमतुल्ला शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अमनों और खुशियों के रंग बखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। देखते हैं डेरा इस्माइल खान से ये रिपोर्ट। टांग में अमन की बहाली के बाद पाक फौज ने शहरी इलाकों में खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ पसमानदा और दूरदराज दही इलाकों में नौजवानों में सेहतमंद खेलों के मुकाबले का आगाज किया। टांग के इलाका मलासई में असमतुल्ला शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का पुर रौनक इनेकाद किया गया, जिसमें टांग की 45 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच डेंजर फुटबॉल का ततौर और रॉयल चैलेंजर्स फुटबॉल क्लब मलासी के दरमियान खेला गया। 60 खिलाड़ी शहरी टूर्नामेंट का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स फुटबॉल क्लब मलासी ने शानदार और सख्त मुकाबले के बाद 2 गोलों की बढ़तरी से अपने नाम कर लिया। लैया हकूमती पॉलिसियों और जैनफा कंपनी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। रख चौबारा के रहायशी किसानों का हकूमत की तरफ से 650 एकड़ रकबा लीज पर देने के खिलाफ एहतजाज। एहतजाज में सियासी वर्कर्स और तलबा ने भी किसानों का साथ दिया। चौबारा में जानवरों की चरागाह का 650 एकड़ रकबा लीज पर देना गैर कानूनी है। रखोक की जमीर ना ही अलार्ट की जा सकती है और ना ही लीज पर दी जा सकती है। लीज पर देकर किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मुजाहरीन का इस्लामाबाद में धरना देने का भी ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 18 न्यूज़।